व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट इवन नंबर यूजिंग द डिजिट 95024। सबसे पहले तो ये देखो कि पांच डिजिट वाला नंबर बोला है इसने और स्मॉलेस्ट बोला है और पांच ही डिजिट यहाँ पे है, तो मतलब कि पांच डिजिट में जब आपको कोई ऐसे यहाँ पे लिखा नहीं है कि विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, या रिपीट आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो इन पांच डिजिट से ही जो वो नंबर बनाना है। लेकिन इसने देखो जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया कि इवन नंबर जो वो होना चाहिए और वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है, इन वर्ड पे जो ध्यान दो, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, इवन होना चाहिए और इन पांच से होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि स्मॉलेस्ट सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट वाला नंबर लिख लो, पहले कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, क्या लिखो सबसे पहले दो लिखो, जीरो नहीं लिख सकते हम, तो ये तो कैंसिल हो गया, जीरो तो हम पहले नहीं लिख सकते क्योंकि फिर चार डिजिट वाला नंबर ही काउंट होगा, सर डी भी हो गया, तो टू के बाद क्या लिखो, जीरो पहले इवन रहने दो, पहले ऐसे बोलो स्मॉलेस्ट नंबर फाइव डिजिट वाला, टू जीरो फिर अब बोलो मुझे कि लास्ट में क्या रखूं, अब हमारे पास ना दो जो यहाँ पे इवन नंबर है, एक दो नहीं है तीन है, जीरो टू फोर, मतलब रखेंगे तो इनमें से कौन सा रखूं, फोर रखूंगा, क्यों रखूंगा, फोर इसके पीछे भी रीजन है क्योंकि आप जो अगर जीरो को पहले रखते हैं तो जीरो जीरो पहले रखा तो इसका मतलब फोर यहाँ पे रखना पड़ेगा फिर, ठीक है, तो फोर यहाँ पे रखा तो बड़ा नंबर हो जाएगा, अगर जीरो यहाँ पे रखा तो 20,000 है वो, तो इसलिए आपको सबसे बड़ा नंबर लास्ट में रखना है, सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, फोर है, तो यहाँ पे फोर लिखो, यहाँ पे फोर, ठीक है, और जो सबसे फिर उससे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा जो उसके बाद लिखो, नाइन था यहाँ पे सबसे बड़ा, तो नाइन यहाँ पे और यहाँ फोर की जगह क्या हो जाएगा, फाइव बचा है, फाइव यहाँ, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको ये करना था।